सो गाइस अभी आ गए सप्लीमेंट स्टोर पे। आप देख सकते हैं 50 का डंबल ले गए। सो गाइस अभी मैं उठा हूँ सो के, और आज उठना था जल्दी क्योंकि आज मुझे जाना था सप्लीमेंट स्टोर सप्लीमेंट लेने, और अभी टाइम हो रहा है 12:51 हो गए। सोचा था जल्दी उठ के जाऊँगा और अभी लेट हो गया। तो गाइस मिलता हूँ फ्रेश हो गए। हे गाइस कैसे हो आप सभी लोग, मैं आकाश और वेलकम बैक टू आकाशपुरी व्लॉग्स। अभी मैं आ गया हूँ फ्रेश हो गए और अभी चल के फटाफट लंच करते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट किया नहीं, अभी से ब्रंच ही कह सकते हैं। सो गाइस लंच में है आलू गाजर की सब्जी, रोटी और लस्सी। खड़ी है गाड़ी, ये देखो गाइस, पता नहीं कौन से बच्चों ने टैटू बना दिए यहाँ पे डोनाल्ड डक। सो गाइस अंदर से देखो कितनी ज्यादा गंदी हो रही है, आज देखते हैं आके टाइम मिला तो साफ करवाएंगे, बहुत ज्यादा गंदी हो रही है अंदर से। तो गाइस आज एक वीक के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। गाइस डेली क्या कंटेंट लाए, कहाँ से लाए हम कंटेंट समझ नहीं आ रहा, और सोचा चलो आज अपना डेली लाइफ ब्लॉग बनाते हैं, आप लोगों के सामने पेश करते हैं, देखते हैं आप लोगों को पसंद आता है तो फिर और बनाएंगे, वरना क्या है ऑप्शन नहीं है, कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा कंटेंट आप लोगों के लिए। सो गाइस अब हम आ गए हैं गुरुद्वारे मत्था टेक के निकलते हैं। गाइस ये मेरा रोज का रूटीन है, मैं अपने दिन की शुरुआत करने के पहले गुरुद्वारे मत्था टेकता हूँ क्योंकि दिन काफी ज्यादा पॉजिटिव निकलता है। तो मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि आप लोग भी अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही पॉजिटिविटी से किया करो तो सारा दिन वैसे ही रहता अच्छा अच्छा सा। वाह देख सकते हो गुरुद्वारा कैसे सजा रखा है। सो गाइस मत्था टेक लिया है और अभी हम चलते हैं सप्लीमेंट शॉप पे, चल के सप्लीमेंट लेते हैं। एक्चुअली सप्लीमेंट स्टोर जाते जाते हमें 1 घंटे लग जाएंगे, और मैं इतनी दूर सप्लीमेंट लेने इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि मैं शुरू से वहीं से लेते आया हूँ, और पास भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं पर मुझे ऐसे कोई भी शॉप पे भरोसा नहीं होता क्योंकि सप्लीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा फेक आते हैं, और एक फिटनेस इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सबसे ज़्यादा फेक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको। तो आप लोग भी जब भी कोई सप्लीमेंट खरीदते हो तो देखो कोई अच्छे ऑथराइज्ड शॉप हो, और उसके ऊपर जो इम्पोर्टर वगैरह होता है वो ऑथराइज्ड इम्पोर्टर हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिल्ली का माल भी आता है जिसमें बारकोड और स्कैनर सब कुछ मिल जाएगा आपको पर वो प्रोडक्ट फेक होगा। यार ये बस वालों को बहुत ज़्यादा घाई लगी रहती है, मुझे मुड़ना था लेफ्ट तो ये बस वाला फटाफट अपनी बस आगे लेके आ गया और मुझे बीच में ही फंसा दिया। ज़्यादा गाने नहीं सुनते वरना कॉपीराइट आ जाएगा। और गाइस किस किस को सिद्धू मूसेवाले के गाने पसंद है मुझे कमेंट करके बताना। सो गाइस एज यूजुअल मुंबई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, ये आप देख सकते हो। हम आ गए अभी BKC, और ये वही प्लेस है जहाँ पर वो जैगुआर का एक्सीडेंट हुआ था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाके आप फटाफट देख लो। ये देखो वो प्लेस को वैसे कवर कर दिया है पर बनाया नहीं। यहाँ पर एक मॉल है जिसमें ओपन थिएटर है और जहाँ पर हम अपनी गाड़ी को सीधा लेके जाके पार्क करके मूवी देख सकते हैं, पर वहाँ पे जाने के पहले हमें वैक्सीनेटेड होना पड़ता है, दोनों डोज कंप्लीट हुए होने चाहिए, पर मेरा तो एक ही डोज कंप्लीट है और अगला डोज मेरा 10-15 दिन के बाद हो जाएगा, तो उसके बाद चलकर हम मूवी देखेंगे। सो गाइस हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और यहाँ पर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, प्रोटीन ब्रेक, तो अभी मैं अपना प्रोटीन पी लेता हूँ। एक्चुअली घर से निकलते वक्त जब लंच किया था तो लंच में था आलू गाजर की सब्जी,
जिसमें से हमको फाइबर्स मिल गए और कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए और बहुत थोड़ा सा प्रोटीन मिला और रोटी थी, तो रोटी तो पूरी कार्बोहाइड्रेट्स है और थोड़ा सा प्रोटीन होगा, तो फिर उससे मेरे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो फिर इसकी वजह से मैं पी रहा हूँ प्रोटीन शेक। सो गाइस अभी मैंने अपना प्रोटीन कर दिया खत्म, तो गाइस चलो अभी चलते हैं। सो गाइस अभी आगे सप्लीमेंट स्टोर पे, तो यहाँ पर पड़ा है हमारा ऑन का गोल्ड, तो ये एक ले लेते हैं और एक ये क्रिएटिन ले लेते हैं। काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स हैं। सो गाइस हमने लिया एक क्रिएटिन और ये एक शेकर मिला है फ्री, और ये है ऑन का वे प्रोटीन गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे प्रोटीन, और यहाँ पर पीछे दिया हुआ है इनके जो ऑथराइज्ड इंपोर्टर है उनका पूरा डिटेल है पीछे। और गाइस प्रोटीन तो ले लिया है और अभी चलते हैं घर, और घर जाके फिर जाएंगे हम जिम। गाइस मैं पी रहा हूँ स्टिंग, और स्टिंग में है हाई कैफीन और 72 mg पर सर्विंग में, इतना कैफीन 110 रुपये की रेडबुल में मिलता है जितना ये कंपनी सिर्फ 20 रुपये में दे रही है। सो गाइस इसमें साफ साफ लिखा है नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रंस प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन। लैक्टेटिंग वुमन मतलब जो वुमन अपने बच्चों को दूध फीड करवाती है, और पर्सन सेंसिटिव टू कैफीन। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं वाशीटॉल, और अभी टाइम हो गया है, एक सेकंड में आपको टाइम बता रहा हूँ, ये देख लो टाइम दिख रहा है इसमें 6:10 बाकी है, तो हम निकले थे करीब करीब 1:30 बजे और अभी 6 बज गए हमें घर आते आते, शाम हो गई है वैसे। गाइस घर पहुंचते पहुंचते रात ही हो गई है। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर पे, और ये एक मेरा छोटा सा सब्सक्राइबर आया हुआ है, रख दिया उसको वहाँ पे। अच्छा पैकेट को क्यों छुपा रहा है, फोटो निकालना इसकी वजह से। एक्चुअली ये पैकेट खा रहा था, और जब मैंने इसको बोला तुम्हारी वीडियो लेता हूँ मैं, और इसने पैकेट को छुपा दिया, ये फोटो खराब आया था। गाइस ये देखो ये है 3x स्पाइसी नूडल्स, काफ़ी दिनों से ला के तो रखा है पर हिम्मत नहीं हो रही इसको खाने की, और ये जोलो चिप्स काफ़ी दिनों से सोच रहा है इसको भी खाने को पर हिम्मत नहीं हो रही है किसी को खिलाएंगे तो। सो गाइस आकाश घर पे आ चुका है थोड़ी देर पहला, और वो अपने लिए कुछ बना रहा है, चलो देखते हैं कि क्या बना रहा है। भाई क्या बना रहा है? एक्चुअली मैं अपने लिए ऑमलेट बना रहा हूँ। कितने अंडों का? इसमें है 5 egg whites और एक होल एग। क्या क्या डाला बीच में? मुझे ज्यादा स्पाइसेस और ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है, तो फिर मैं इसमें एकदम लाइट सी सॉल्ट डालूंगा और ब्लैक पेपर। ओके सो गाइस अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 spoon के करीब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इस ऑयल को पूरे पैन में स्प्रेड कर लिया, और अभी ये जा रहा हमारा ऑमलेट। सो गाइस हमारा ऑमलेट ऑलमोस्ट पक चुका है एंड इट इज रेडी टू ईट। कितना अच्छा लग रहा है, और खाने में भी उतना ही अच्छा है वो। गाइस मैं जा रहा हूँ जिम, और जिम जाने के पहले लेता हूँ ब्लैक कॉफी, तो ब्लैक कॉफी पी के जाऊंगा जिम। वैसे आपको ये कब देख के कुछ याद आया?
ये कब मुझे मिला था ब्लॉगर्स मीट में, और अगर आपने ब्लॉगर्स मीट वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखना। सो गाइस मैं जा रहा हूँ जिम और आज है मंडे। पिछले वीक मैंने डबल मसल लिए थे और उसके पिछले वीक मैंने सिंगल मसल लिया था। ये वीक मैं पुश पुल लेग्स करूंगा और आज मंडे है तो फिर मैं चेस्ट शोल्डर और ट्राइसेप्स लूंगा। एक्चुअली मैं हर वीक अपना वर्कआउट रूटीन चेंज करते रहता हूँ क्योंकि सेम करके फिर बॉडी को हैबिट हो जाती है और फिर वो वाला इफेक्ट दिखता नहीं है बॉडी पे, तो इसके लिए मैं अपना रूटीन चेंज करते रहता हूँ। सो गाइस मैं आ गया हूँ जिम और ये देखो कितना तगड़ा बैग है। एक्चुअली इसमें बेल्ट है, स्ट्रैप से काफ़ी कुछ है जिम का सामान वगैरह, तो इसकी वजह से ये इतना हैवी हो रहा है। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ जिम में और आज मंडे है तो पब्लिक में काफ़ी जोश भरा हुआ है, तो आप देख सकते हो। अक्षय ये आर्म्स गेस करके बताओ क्या है साइज। तो भाई चेस्ट मारने के पहले मैं एक सेट वार्म अप सेट पुशअप्स का मार लेता हूँ, फिर उसके बाद हम चेस्ट का वर्कआउट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं 50 का डंबल ले गए। चला कम ऑन चल White boys. क्या लगता है कितना रिपीटेशन मारेगा? मेरे को लगता है 8 तो फिर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा रे? जाएगा जाएगा। 7 गाइस आज का जिम सेशन हो गया है कंप्लीट और आप बिल्डर का पंप देख सकते हो, एक नंबर। तो अभी करते हैं पैकअप। भाई जी चैनल सब्सक्राइब करा, आकाशपुरी ब्लॉग फॉलो। या थैंक यू। अभी करते हैं पैकअप और पैकअप करके मिलते हैं। सो गाइस अभी जिम सेशन हो गया है कंप्लीट और मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 11:19 और अभी घर पे जाके प्रोटीन शेक भी पीना है और फिर पोस्ट वर्कआउट मील भी लेनी है और वीडियो को भी जाके एडिटिंग करना है। अभी हिम्मत तो हो नहीं रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ मैं। और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और हाँ ऐसे ही डेली लाइफ पे मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कमान अक्षय आज ये पूरी बॉडी बना के ही जाएगा, मंडे का मोटिवेशन है इसमें, बाद में 2 दिन बाद। अबे ये क्या कर रहा है।